उपायुक्त श्रीमती सुनीता वर्मा स्थानीय पंचायत भवन में पॉलीथीन मुक्त अभियान के तहत आयोजित बैठक में उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने हरियाणा स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत जिला को खुले में शौच मुक्त बनाने पर परिषद को 20 लाख रुपए, सभी पंचायत समितियों को 5-5 लाख रुपए तथा सभी ग्राम पंचायतों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि जनता अपने जन प्रतिनिधियों की बातों का अनुसरण करती है। सभी सरपंच अपने अपने गांव में लोगों को पॉलीथीन का प्रयोग ना करने तथा गांव को पॉलीथीन मुक्त बनाने के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि मंडी से सब्जियां लाकर कभी भी पॉलीथीन में बंद करके फ्रिज में ना रखें। ऐसा करने से पॉलीथीन के हानिकारक रसायन सब्जियों में मिल जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि पॉलीथीन जलाने से कैंसर रोग फैलता है। सभी व्यक्ति गांव में बिखरे पॉलीथीन को एकत्रित करके इसका उचित प्रबंध करें। बाजार में जाते समय कपड़े व जूट के थैले लेकर जाएं। घर में सूखे व गीले कचरे को अलग अलग करें। बेसहारा पशुओं को कभी खाने की वस्तुएं पॉलीथीन में डालकर ना दें। हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि घर में पॉलीथीन के बैग में सामान यदि लाया जाता है तो यह पॉलीथीन दोबारा गली में ना डालें। उन्होंने उपस्थित गण से कहा कि वे अपनी आदतों में बदलाव के साथ साथ लोगों की आदतों में भी बदलाव के लिए कार्य करें तथा लोगों को बाजार जाते समय कपड़े व जूट का थैला ही ले जाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर पॉलीथीन से होने वाले नुकसान, कीटनाशकों तथा रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले नुकसान बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जन प्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। उन्हें जैविक खेती के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। कैथल से नवीन मल्होत्रा, आजाद टीवी न्यूज। हमने वार्ड नंबर 1 में सफाई की, उस टीम को सिर्फ ये डायरेक्शन दी गई है कि वो सिर्फ पॉलीथीन जो है नालियों से पॉलीथीन निकाले, कहीं खुले प्लॉट में, खाली प्लॉट में पॉलीथीन उड़ते घूमने तो उसका काम सिर्फ ये होगा कि वो सिर्फ पॉलीथीन इकट्ठे करेगा। अभी तो हमने सिर्फ अपने सफाई कर्मचारियों की टीम बनाई है, अगर ऐसा कोई उनका प्रपोजल आएगा तो उनको भी जोड़ा जाएगा।